देखिए, अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हैं और स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से जो फ्री शौचालय ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है उस योजना के तहत अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए आवेदन फिर से स्टार्ट हो चुके हैं फेज टू के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन करेंगे, तो देखिए नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए आपको इस लिंक पर आ जाना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे ही आ जाएंगे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना, वही आपकी लॉगिन आईडी रहेगी। आधार बेस आपको यहाँ पर नाम डालना, मेल है फीमेल यहाँ पर चूज करना है। मेरे हिसाब से आप अपनी फीमेल मुखिया के जो हैं उन्हीं के नाम शौचालय ऑनलाइन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर फीमेल चूज कर लें। रेजिडेंशियल एड्रेस आपका क्या है पूरा आपको यहाँ पर डाल देना है, और आपका स्टेट यहाँ पर क्या लगता है। देखिए ये पूरे भारत में कहीं से भी आप हो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अपना स्टेट चूज कर लें, ये वाला कैप्चा कोड है आपको इस बॉक्स में डाल के यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा देखिए आपके सामने ऐसा लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा। जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। अब आपको ये ध्यान रखना जो पासवर्ड है, देखिए जो पासवर्ड है ना तो आपके मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से जाएगा ना ही आपको शो होगा। जो आपका मोबाइल नंबर है उसके लास्ट के जो चार अंक होते हैं वही आपका पासवर्ड होगा। तो आप अपने मोबाइल के लास्ट के चार अंक क्या है वो यहाँ पर डाल देना, ये वाला कैप्चा कोड है यहाँ पर डाल के आपको साइन इन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड पूछा जा रहा है तो आपके आप मोबाइल के लास्ट के चार अंक हैं वो डाल देना, और न्यू क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको इस वाले खाने में डाल देना और इस वाले खाने में डाल देना सेम, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर देना है। तो देखिए आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, आपका नाम लिखा होगा, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेटस आपका एक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए कोने में आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसी पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा, यहाँ पे स्टेट आपका ऑलरेडी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट नेम चूज करना है, ब्लॉक का नाम क्या वो चूज करना है, पंचायत आपकी क्या है वो चूज करना है, और आपके गांव का नाम क्या है यहाँ पे चूज करना। उसके बाद हैबिटेशन नेम क्या है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना। अब देखिए यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर बी टॉयलेट ऑनर पार्टिसिपेंट, अब देखिए आपको आधार बेस नाम डालना, जैसा आधार पे पड़ा है वैसा ही सेम डाल देना। यहाँ पे आधार नंबर डाल देना, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना, और यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम या हस्बैंड आपको नाम डाल देना है, मेल फीमेल है यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास ईपीएल बीपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड तो बीपीएल चूज करना, ईपीएल तो ईपीएल, तो मेरे पास ईपीएल चूज कर लेंगे। उस कैटेगरी यहाँ पे देखिए आपको वुमेन हेडेड एचएच चूज कर लेना है। यहाँ पे देखिए कार्ड टाइप आधार ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे कार्ड नंबर आपका आधार नंबर आपको यहाँ पे नहीं डालना कुछ भी। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देनी है, एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा फिल कर देना जो भी आपका एड्रेस बनता है। उसके बाद ये आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए सेक्शन नंबर सी है, अब यहाँ पे आपको बैंक डिटेल पूरी फिलअप करनी होगी, बैंक डिटेल आपको हिसाब से फिलअप करनी है, आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत ना हो। सबसे पहले आपको अपना आईएफएससी कोड डालना है, जैसे आईएफएससी कोड डालेंगे बैंक का नाम है और बैंक के जो ब्रांच एड्रेस है वो कहाँ का है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे बैंक का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे सिर्फ चूज करना होता है। स्टेट क्या है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे देखिए आपको अपनी स्कैन जो पासबुक है आपको यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करनी होगी, या आप जेपीजी पीएनजी किसी में भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको नीचे अप्लाई वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर अप्लाई कर देना है। देखिए अकाउंट नंबर सही से भरना, पहले क्या होता है यहाँ पे 12,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते थे, मगर अब यहाँ पे बढ़ा के इसे 20,000 रुपये कर दिए गए हैं। यानी जब आपकी शौचालय पास हो जाता है उस कंडीशन में आपके 20,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसलिए आपको जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए, डीबीटी उसमें एक होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए जैसे आप अप्लाई कर देंगे वैसे यहाँ पे आ जाना है आपको, यहाँ पे लिखा व्यू एप्लीकेशन, तो आपको इसी पे वाली बटन पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देखिए ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आएगा, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर वाली बटन पे आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए जो भी आपने डिटेल भरी है तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल निकल आएगी, आपको इसको प्रिंट कर लेना है क्योंकि जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा है, अगर बाई चांस से आपका प्रधान मांगता है तो आप इसे प्रूफ के तौर पे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आपको इसे क्लोज कर देना है, और यहाँ पे स्टेटस ट्रैक वाली बटन में आपको इसी पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए स्टेटस आपका इस तरह से शो होगा, जैसे ही आपकी पास होती जाएगी वैसे ही आपका स्टेटस आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आपकी इंसेंटिव गिव टू अप्लीकेंट हो जाएगी वैसे ही आपकी अप्रूव कर दी जाएगी और आपके अकाउंट में पैसा है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखिए अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर यार वीडियो वॉच करें सब्सक्राइब कर लें कि योजना से रिलेटेड या फिर कोई नई अपडेट आती है तो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके अकाउंट पर पहुँच सके। वीडियो